अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg भिंडी लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इस भिंडी को कट कर लेंगे। अगर आपके पास छोटी भिंडी हो तो आप उस ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर लें और इसमें एक चीरा लगा लें। अगर आपके पास बड़ी भिंडी हो तो उसी तरह से आप ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर लें, उसे बीच से कट करके उसमें एक चीरा लगा दें। इस तरह से आप सारी भिंडियों को कट कर लें। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए एक कटोरी में मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1/2 कटा हुआ प्याज और 1 हरी मिर्च, 1 छोटा गोटा हल्दी का टुकड़ा, 1/2 चम्मच जीरा गोल मिर्च और 2 चम्मच हम लेंगे इसमें सरसों का। इन सबको पानी ऐड करके आप अच्छा से एक एक पेस्ट बना लें। आप इसे साइड में रख दें। हमने एक कढ़ाई में तेल ऐड किया है। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी ऐड करेंगे और इसे तल कर उसी मसाले वाले कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इस भिंडी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसका फ्लेम हाई रखें और इसे अच्छे तरह से भिंडी को तल लें। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि हमारी भिंडी जले ना। ये हमारी भिंडी तल चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में साइड में निकाल के रख लेंगे इस तरह से। अब हम उस मसाले में 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम उसी तेल में इन सारे मसाले को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इस मसाले को अच्छी तरह से आप भून लें। ढक्कन से ढक करके आप इसे अच्छी तरह से भून लें जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। इस तरह से देखिए, वह मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें भिंडी को ऐड कर लेंगे, जो भिंडी को हमने तल के रखा था। भिंडी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे धीमे आंच में तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा भिंडी गल ना जाए। इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये देखिए, हमारी भिंडी गल चुकी है। अब हम इसमें कोई भी अचार ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर मिक्स अचार लिया है, आप कोई भी अचार ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पकने दें। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इस तरह से भिंडी को सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।